नमस्कार दोस्तों, न्यू लाइफ क्लासेस में आप सभी लोगों का फिर से बहुत बहुत स्वागत है। और जैसा कि एंशियंट हिस्ट्री का पार्ट शुरू हो चुका है, हड़प्पा कालीन जो सभ्यता है उसको उसका जो वीडियो है अपलोड हो चुका है। और आज हम बात करेंगे मध्यकालीन इतिहास के बारे में, जिसका ये फर्स्ट पार्ट होगा। इसमें हम सबसे पहले बात करेंगे पूर्व मध्यकाल में भारत के कुछ राजवंश थे, ठीक है। जब भारत में विदेशी आक्रमण हुआ, जिसमें कि फर्स्ट जो पहला सफल आक्रमण था, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, जितने भी लोग किसी भी कंपिटेटिव एग्जाम की तैयारी करते हैं, चाहे किसी भी एग्जाम की हो, सभी लोग जानते होंगे कि मध्यकालीन इतिहास वहां से शुरू होता है जब जो है आपका मोहम्मद बिन कासिम ने सफल आक्रमण किया था, जहां से मुस्लिम शासक की नींव चालू हुई थी 712 ईस्वी में, ठीक है। और वहीं से जो है भारत में मुस्लिम शासकों ने जो है शासन करना शुरू किया एक तरह से, ठीक है। उससे पहले जो है हिंदुओं का शासन हुआ करता था भारत में, ठीक है। और उसके बाद आधुनिक काल तक एक तरह से हम कह सकते हैं, जब तक अंग्रेजों का शासन नहीं हुआ वहां तक भारत में मुस्लिमों का शासन रहा, ठीक है। तो पूर्व मध्य काल में भारत के कुछ राजवंश थे, उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। उसके बाद जो दूसरा पार्ट होगा इसका, उसमें हम लोग जानेंगे मोहम्मद बिन कासिम का जो आक्रमण था उसके बारे में, ठीक है। चलिए बात करते हैं। तो 6ठी शताब्दी के अंतिम चरण में गुप्त साम्राज्य के पतन के साथ भारतीय राजनीति में अनेक नए राज्यों का उदय हुआ, ठीक है। जब गुप्त साम्राज्य का पतन हो गया तो भारतीय राजनीति में अनेक राज्यों का उदय हुआ, मतलब एक केंद्रीय शक्ति नहीं रह गई, कोई भी एक केंद्रीय सत्ता में नहीं रह गया, ठीक है। अनेक राज्यों में जो है शक्ति विभक्त हो गई, ठीक है। बहुत अनेक राज्य जो हैं उनका उदय हुआ, ठीक है। गुप्तों के पतन के बाद उत्तर भारत में कन्नौज राजनीतिक शक्ति का प्रमुख केंद्र बना। कन्नौज जो कि हर्षवर्धन वहां पर शासन करता था, ठीक है। तो कन्नौज और थानेश्वर उसकी राजधानी थी, ठीक है। तो कन्नौज जो है प्रमुख शक्ति बना, ठीक है। चलिए आगे बात करें गुप्त साम्राज्य के पतन के परिणाम। गुप्त साम्राज्य जो है, जिसको कि स्वर्ण युग कहा जाता था, ठीक है, भारत में बहुत ही विशाल उसकी सैनिक शक्ति में भी देखें, और उसका जो शासन काल था उसको स्वर्ण काल भी कहा जाता है, भारत में अच्छी स्थिति में थे वो लोग। तो इसके जो पतन के क्या आखिर कारण थे उसके बारे में भी जानेंगे, लेकिन इसके पतन के परिणाम क्या हुए पहले इसके बारे में हम लोग जानते हैं, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। तो जो पहला पॉइंट है, ठीक है, तो भारत के विभिन्न भागों में राजनीतिक सत्ता के अनेक स्वतंत्र केंद्रों का उदय हो गया, ठीक है। सबसे पहली बात तो ये कि गुप्त साम्राज्य जो कि इतना विशाल साम्राज्य था, ठीक है, केंद्रीय सत्ता में था, ठीक है, बहुत विशाल साम्राज्य इसका फैला हुआ था। तो जब इसका पतन हो गया तो अनेक राज्यों का उदय हुआ, ठीक है, छोटे छोटे भागों में बट गया, ठीक है, राजनीतिक सत्ता के अनेक स्वतंत्र केंद्र का उदय हो गया, ठीक है। और राजनीतिक शक्ति का प्रमुख केंद्र कौन बना, अभी मैंने बताया था कन्नौज, ठीक है। चलिए, भारत में बहुराज्यवादी व्यवस्था के विस्तार का प्रारंभ हुआ, ठीक है। और यही जो है एक तरह से यहीं से शुरुआत हुई जो है बाहरी आक्रमणों का, ठीक है। जो मोहम्मद बिन कासिम ने आक्रमण किया उसको दाहिर, आप लोगों अभी मैं आगे बताऊंगा, उस समय जो सिंध पर आक्रमण कर रहा था राजा दाहिर, ठीक है, तो उस समय राजा दाहिर पर ही आक्रमण करके फिर आगे बढ़ता गया जो मोहम्मद कासिम था, ठीक है। अगर उसको बुलावा नहीं आया होता, फिर से वह वापस नहीं लौटता, तो उसी समय ही जो है इस्लाम का जो है शासन यहाँ पर स्थापित हो चुका होता, 712 ईस्वी में ही, ठीक है। चलिए उसके बारे में बाद में बात करेंगे। चलिए आगे देखते हैं। जात व्यवस्था अत्यधिक जटिल हो गई एवं समाज रूढ़िवादी हो गया, ठीक है। जाति व्यवस्था अत्यधिक जटिल हो गई, समाज रूढ़िवादी हो गया। रूढ़िवादी मतलब जो पुरानी परंपरा चली आ रही है उस पर ही अटल होना, ठीक है, और बदलाव को मानने से इनकार करना, ठीक है। समाज जो है बदलाव को नहीं मानना चाहता था, ठीक है, ऐसा व्यवस्था हो गया। अर्थव्यवस्था का पतन शुरू हो गया एवं सर्वत्र सामंतवाद की जड़ें मजबूत हुई। अर्थव्यवस्था का पतन शुरू हो गया, ठीक है, अर्थव्यवस्था का पतन शुरू होना मतलब कि जो जो भी थोड़ा बहुत गुप्त साम्राज्य में, जो सभी लोगों को पता है गुप्त साम्राज्य में सोने के सिक्के भी चलते थे, ठीक है, स्वर्ण युग कहा जाता था, ठीक है, कला और साहित्य में, ठीक है,
अर्थव्यवस्था का पतन हो गया, सर्वत्र सामंतवाद की जड़ें मजबूत हो गई, उत्तर भारत में राजनीतिक अराजकता की स्थिति बन गई और राजनीतिक अस्थिरता एवं अनेक छोटे छोटे राज्यों के बनने के कारण विदेशी आक्रमणकारियों द्वारा भारतीय हिस्सों को जीतना आसान हो गया। ठीक है, और यही एक कारण रहा कि विदेशी आक्रमणकारी आए और भारतीय हिस्सों को जीतते गए। छोटे छोटे राज्य थे, ठीक है, इसीलिए इनको जीतना आसान हो गया। चलिए आगे बात करते हैं। तो पूर्व मध्यकालीन प्रमुख राजवंश हम देख लेते हैं कि पूर्व मध्यकाल में जब मध्यकाल शुरू हुआ उससे पहले जब गुप्त साम्राज्य का पतन हो गया उस समय कौन कौन से जो है उत्तर भारत में राज्य करते थे, कौन कौन से वंश के राजा और कौन कौन से दक्षिण भारत में। तो दक्षिण भारत के बारे में तो हम लोग बहुत कम पढ़ते हैं, लेकिन लेकिन मैं आपको बता दूं कि यूपीएससी का जो एग्जाम होता है, ठीक है, उसमें दक्षिण भारत में बहुत ही इंपॉर्टेंट है चोल वंश। ठीक है, चोल वंश जिसके बारे में कहा जाता है कि इनकी नौसेना बहुत ही विशाल थी। ठीक है, नौसेना में ये लोग बहुत ही सक्षम थे। और पल्लव वंश, ठीक है, कांची के पल्लव वंश, ठीक है, और वातापी के चालुक्य वंश, राष्ट्रकूट, ये सब बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पांडे वंश भी, ठीक है, जितने भी हैं सब इंपॉर्टेंट है। चलिए जान लेते हैं उत्तर भारत में पुष्यभूति वंश जिसकी राजधानी थानेश्वर थी, ठीक है, कन्नौज भी हो गई बाद में, इसी वंश का जो है हर्षवर्धन था। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। मौखरी वंश जो कि कन्नौज था इसकी राजधानी, ठीक है, उसके बाद पाल वंश, सेन वंश जो कि बंगाल में था, राजपूत वंश में आपके आएंगे गुर्जर प्रतिहार वंश जो कि गुजरात में था, चौहान वंश दिल्ली के, यहीं से पृथ्वीराज चौहान भी थे जिनकी मोहम्मद गौरी से 1191 और 1192 में दो तराइन के युद्ध हुए, जिसमें 1191 का जो पहला तराइन का युद्ध था उसमें मोहम्मद गौरी को इन्होंने हरा दिया था, लेकिन उन उसको जो है मारा नहीं, इन्होंने छोड़ दिया था, यही उन्होंने बहुत बड़ी गलती कर दी और वहीं से समझ लीजिए कि इतिहास बदल गया। ठीक है, और वहीं से जो क्या हुआ, मोहम्मद गौरी ने फिर से आक्रमण किया, ठीक है, और जयपाल ने जो है साथ दिया और पृथ्वीराज चौहान की हार हुई और उसका जो है पृथ्वीराज चौहान की हार हुई और मोहम्मद गौरी का एक गुलाम था कुतुबुद्दीन ऐबक, उसने यहाँ पर गुलाम वंश की क्या हुई एक सैनिक शक्ति, गुलाम वंश की स्थापना की। चलिए आगे बात करेंगे। चंदेल वंश जो कि बुंदेलखंड या जजाक मुक्ति है, परमार वंश जो कि मालवा में है, चालुक्य वंश या सोलकी वंश कहते हैं इसको, अन्हिलवाड़ गुजरात में, ठीक है, हिंदू शासी वंश गांधार के, ठीक है, दक्षिण भारत में मैंने आपको पहले ही बता दिया चालुक्य वंश, पल्लव वंश, पांडे वंश मदुरा के, चोल वंश, ठीक है, चोल मंडलम, राष्ट्रकूट वंश मान्यखेत के। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप लोगों को जरूर पढ़ना चाहिए, कम से कम दक्षिण भारत के पांच जो हैं वंश ये आप लोगों को पढ़ना चाहिए, यूपीएससी के जो प्री के एग्जाम होते हैं उसमें पूछा जाता है। और उत्तर भारत में पुष्यभूति वंश, ठीक है, राजपूत वंश में जो हैं, ठीक है, वो सब पूछे जाते हैं, राजपूत वंश और पुष्यभूति वंश पूछे जाते हैं। ठीक है, और पाल वंश जिसका कि बंगाल में शासन था, पाल वंश जिसमें कि धर्मपाल भी थे और इसका स्थापना जो किया था गोपाल ने किया था, ये भी बार बार पूछा जाता है इस वंश के बारे में, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे बात करते हैं। तो सबसे पहले हम पाल वंश के बारे में ही बात करते हैं, ठीक है, बंगाल में पाल वंश जो था इसकी स्थापना बौद्ध धर्म के अनुयायी गोपाल ने की थी। ठीक है, तो सबसे पहली बात तो यही आई कि पाल वंश के जो पाल वंश की जो स्थापना की थी उस किसने की थी, तो गोपाल ने की थी, ठीक है, और वो बौद्ध धर्म के अनुयायी थे। ठीक है, और गोपाल ने बिहार शरीफ के निकट आदंतीपुर बिहार की स्थापना कराई थी। ठीक है, आदंतीपुरी बिहार की स्थापना कराई थी बिहार शरीफ के निकट। ठीक है, उसके बाद आता है धर्मपाल। धर्मपाल बहुत ही इंपॉर्टेंट शासक था। ठीक है, ये जो था ये गोपाल का पुत्र और उत्तराधिकारी था। इसको कौन कौन सी उपाधियां मिली थी, तो इसने परमेश्वर की उपाधि प्राप्त की थी और परम भट्टारक और महाराजा धीराज की उपाधि इसको मिली थी, महाराजा धीराज। ठीक है, चलिए, और ये गोपाल का पुत्र था और उत्तराधिकारी भी था। ठीक है, इसने कन्नौज के त्रिदलीय संघर्ष की शुरुआत की और गुजराती कवि सोड्डल ने धर्मपाल को उत्तरापर्च स्वामिन कहा है। ठीक
ठीक है। यह पूछता है कि किन्होंने धर्मपाल को उत्तरापट स्वामिन कहा है, तो गुजराती कवि थे कौन से, सोढ़ल ने, ठीक है। उन्होंने धर्मपाल को, धर्मपाल खुद जो था एक विद्वान था, लेखक भी था, ठीक है। विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी, धर्मपाल ने ही की थी, ठीक है। विक्रमशिला विश्वविद्यालय, आपको बता दूं कि धर्मपाल का जो स्थापना किया था ये विक्रमशिला विश्वविद्यालय, उसको मतलब विक्रमशिला विश्वविद्यालय और नालंदा विश्वविद्यालय को बख्तियार खिलजी ने तोड़ दिया था जब मोहम्मद गौरी ने आक्रमण किया था, ठीक है, भारत पर, और पृथ्वीराज चौहान को हरा दिया था। उस समय जो है बख्तियार खिलजी जो कि उसका गुलाम था, कुतुबुद्दीन ऐबक और बख्तियार खिलजी दोनों जो थे उसके गुलाम ही थे, और बख्तियार खिलजी जो था बंगाल की तरफ बढ़ता चला गया, और उसने नालंदा विश्वविद्यालय जो कि बिहार में था, ठीक है, और वो बंगाल में कौन सा, विक्रमशिला विश्वविद्यालय, धर्मपाल ने जिसकी स्थापना की थी, उसको तहस नहस कर दिया, ठीक है, जो कि शिक्षा के बहुत अच्छे केंद्र थे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। धर्मपाल के शासनकाल में यात्री सुलेमान भारत आया था, सुलेमान ने धर्मपाल को रोहमा कहा है, तो ये बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है फ्रेंड कि धर्मपाल को रोहमा किस यात्री ने कहा था, तो सुलेमान ने कहा था, ठीक है, जो कि धर्मपाल के शासनकाल में ही आया था, ठीक है, सुलेमान आप लोगों को याद होना चाहिए। चलिए आगे बात करते हैं देवपाल के बारे में। देवपाल जो था, देवपाल ने मुंगेर को अपनी राजधानी बनाया था, ठीक है, मुंगेर को, और देवपाल ने प्रतिहार शासक नागभट्ट द्वितीय को पराजित किया था, मतलब इनको हरा दिया था, प्रतिहार शासक जो नागभट्ट थे, और देवपाल ने ही परम सौगात की उपाधि धारण की थी। उसके बाद आए थे महिपाल प्रथम, जो कि पाल वंश का दूसरा संस्थापक माना जाता है, ठीक है। तो ये बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है फ्रेंड कि पाल वंश का संस्थापक कौन था, तो पाल वंश का संस्थापक तो जो था गोपाल था, और उसका बेटा कौन था, धर्मपाल, जिसने विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की थी, बहुत ही इंपॉर्टेंट शासक था, जिसके शासनकाल में यात्री जो सुलेमान आया था, जिसने उसे रोहमा कहा था, ठीक है। लेकिन यह भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि पाल वंश का दूसरा संस्थापक कौन था, तो पाल वंश का द्वितीय संस्थापक जो है महिपाल प्रथम को माना जाता है, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं गुजरात का जो चालुक्य वंश है, ठीक है। गुजरात जो है एक तरह से बहुत प्रसिद्ध है मध्यकालीन इतिहास में, ठीक है। गुजरात में ही आप लोगों को पता होगा कि जो है गुजरात जो है बहुत ही प्रसिद्ध है। यहाँ पर चालुक्य वंश के बारे में चलिए जान लेते हैं। गुजरात के चालुक्य वंश की स्थापना मूल राज प्रथम ने की थी एवं अपनी राजधानी अन्हिलवाड़ को बनाया था। तो मूल राज प्रथम ने इसकी स्थापना की थी चालुक्य वंश की, और इसने अपनी राजधानी जो है अन्हिलवाड़ को बनाया था, और भीम प्रथम के जो सामंत थे बिमल शाह, इसने माउंट आबू की स्थापना की थी, और माउंट आबू में राजस्थान में दिलवाड़ा जैन मंदिर जो है उसकी स्थापना की थी। तो यह तो आप लोगों को बताने की आवश्यकता है नहीं, जितने भी लोग एग्जाम की तैयारी करते हैं उन लोगों को पता होगा कि बहुत बार एग्जाम में पूछता है कि दिलवाड़ा में जो जैन मंदिर है, या दिलवाड़ा में जो मंदिर है वो किस धर्म से संबंधित है, तो जैन धर्म से संबंधित है, यह तो पता चल गया, और उसकी स्थापना किसने की थी, तो भीम प्रथम, ठीक है, उसके सामंत थे बिमल शाह, उन्होंने इसकी निर्माण करवाया था, ठीक है। भीम प्रथम के समय महमूद गजनवी ने सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण किया था, और भारी भरकम लूटपाट भी की थी सोमनाथ मंदिर पर, आप लोगों को पता होगा। सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि महमूद गजनवी जो है भारत पर आक्रमण किया था 17 बार, ठीक है। उसका उद्देश्य ही यही था कि भारत में जो अकूट जो है, भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता था फ्रेंड, ठीक है, तो भारत में जो अकूट धन संपदा है उसको लूटना इसका प्रमुख उद्देश्य था। तो इसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए, ठीक है, इसने बहुत बार आक्रमण किया, और यह जानता था कि भारत में जो मंदिर हैं उसमें ही बहुत सारे धन रहते। अभी आज के समय वर्तमान में भी देखिए तो भारत सोने की चिड़िया ही है, ठीक है, सोने की चिड़िया है। अभी आप देखिए तो जितने भी मंदिर हैं, चाहे वैष्णो देवी का मंदिर हुआ, चाहे वहाँ का साईं बाबा का मंदिर हुआ, उसमें इतने सोने हैं कि भारत फिर से सोने की चिड़िया हो सकता है। लेकिन अब कौन बोले, ठीक है, धार्मिक देश है, ठीक है।
तो सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण किया था और भारी लूटपाट की थी। ठीक है, यह जानता था कि मंदिरों में ज्यादा धन होते हैं। ठीक है, तो इसीलिए इसने सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण किया था और भारी लूटपाट की थी। मूलराज द्वितीय ने 1178 ईस्वी में आबू पर्वत के समीप मोहम्मद गौरी को परास्त किया। ठीक है, और 1187 में कुतुबुद्दीन ऐबक ने भीम द्वितीय को परास्त किया था। ठीक है, मोहम्मद गौरी तो परास्त हो गया था, लेकिन 1187 ईस्वी में कुतुबुद्दीन ऐबक ने भीम द्वितीय को परास्त कर दिया था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, चंदेल वंश के बारे में जानते हैं। ठीक है, चंदेल वंश का प्रथम शासक जो था नन्नुक था। ठीक है, और चंदेल प्रतिहारों के सामंत थे। ठीक है, प्रतिहार जो थे उसके सामंत जो थे उसके चंदेल थे। और यशोवर्मन ने खजुराहो के चतुर्भुज मंदिर, जिसको कि विष्णु मंदिर कहा जाता है, का निर्माण करवाया था। यह पूछता है फ्रेंड प्रश्न, ठीक है, इसको आप लोग ध्यान दीजिएगा। और धंग देव ने खजुराहो के अनेक मंदिरों का निर्माण कराया था। कीर्तिवर्मन ने महोबा के निकट कीरत सागर का निर्माण कराया था। ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है, कीरत। मैं जो भी क्वेश्चन आप लोग को पढ़ा रहा हूँ, सिर्फ वही पढ़ा ही रहा हूँ जो कि एग्जाम में पूछते जाते हैं। मैंने वही नोट ही किया हुआ है जो एग्जाम में पूछते हैं। ठीक है, और इधर उधर से मैंने कुछ बेमतलब का नहीं लिखा है, मैंने सिर्फ वही लिखा है, ठीक है, जो कि एग्जाम में आए हुए हैं या इम्पोर्टेंट है। ठीक है, जो आने के लिए बेकरार हैं, आ सकते हैं। ठीक है, आ जाएंगे। ठीक है, तो वो आप पढ़ लेंगे अगर, तो कोई भी क्वेश्चन छूटेगा नहीं। ठीक है, चौहान वंश जो है शाकंभरी अजमेर के निकट है। ठीक है, शाकंभरी में चौहान वंश की स्थापना वासुदेव ने की थी। ठीक है, चौहान वंश की स्थापना वासुदेव ने की थी। और अजय राज जो था उसने अजमेर में अजमेर नगर की स्थापना की थी। ठीक है, प्रारंभ में जो चौहान शासक थे प्रतिहारों के सामंत थे। ठीक है, और 10वीं शताब्दी के प्रारंभ में वाक्पति राज प्रथम ने प्रतिहारों से स्वयं को स्वतंत्र कर लिया। पहले ये लोग सामंत थे, लेकिन जो वाक्पति राज प्रथम था उसने अपने आप को स्वतंत्र कर लिया। उसके बाद से जो चौहान थे वो अब स्वतंत्र कहे जाने लगे। ठीक है, अर्णोराज ने अजमेर के निकट सुल्तान महमूद की सेना को पराजित किया। अर्णोराज ने दिल्ली, बुंदेलखंड और पंजाब के कुछ राज्यों को जीता था, परंतु गुजरात के चालुक्य शासक कुमारपाल ने इसे हरा दिया। ठीक है, विग्रहराज चतुर्थ ने कुमारपाल को हरा कर दिल्ली पर पुनः अधिकार कर लिया। अब हम बात करते हैं पृथ्वीराज द्वितीय की। चौहान वंश में पृथ्वीराज द्वितीय जो थे, जिसको कि पृथ्वीराज चौहान हम लोग कहते हैं, वही जो है इम्पोर्टेंट है। ठीक है, और नहीं कुछ पूछता है, यही इम्पोर्टेंट है, जिन्होंने दो युद्ध लड़े थे बहुत ही अच्छे, मतलब बहुत ही इंपॉर्टेंट युद्ध लड़े थे, तराइन का प्रथम और तराइन का द्वितीय, यह बार बार पूछता है। तो इनके अन्य नाम राय पिथौरा, ठीक है, अन्य नाम भी एक बार पूछा था, तो राय पिथौरा। यह सोमेश्वर का पुत्र था जो 1178 ईस्वी में दिल्ली की गद्दी पर बैठा। ठीक है, 1178 ईस्वी में दिल्ली की गद्दी पर बैठा था, और 1182 में पृथ्वीराज चौहान एवं चंदेल शासक परमारदेव के बीच युद्ध हुआ था, जिसमें परमारदेव की विजय हुई और परमारदेव के लोक प्रसिद्ध सेनानायक आल्हा उदल वीरगति को प्राप्त हुए। आल्हा उदल के बारे में आप लोग जानते होंगे, बहुत ही प्रसिद्ध है, ठीक है, इतिहास में। अब तराइन का प्रथम युद्ध के बारे में जानते हैं, जो कि इम्पोर्टेंट है। 1191 में पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच तराइन का प्रथम युद्ध हुआ था, और इस युद्ध में पृथ्वीराज चौहान जीत गए थे और मोहम्मद गौरी बुरी तरह से पराजित हुआ और घायल हुआ और अपनी सेना के साथ वापस चला गया। ठीक है, 1192 को पुनः पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच युद्ध हुआ, परंतु गौरी ने कुछ समय बाद प्रातःकाल में मोहन चौहान की सेना पर आक्रमण किया। सेना को हमले का आभास नहीं था, अतः चौहान की हार हुई एवं चौहान को बंदी बना लिया गया। असल बात यह है कि पृथ्वीराज चौहान को उस समय के कुछ राजाओं ने धोखा दिया, जैसे कि जयपाल थे, ठीक है, और मोहम्मद गौरी को कुछ शासकों का साथ भी मिला और सभी लोगों ने मिल करके इनको हरा दिया। ठीक है, और बाद में उसका खामियाजा भी भुगतना पड़ा, क्योंकि मोहम्मद गौरी ने उन शासकों को भी हराया, जयपाल के साथ भी युद्ध किया। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। तराइन के युद्ध में पृथ्वीराज चौहान के हार के कारण
इसके बारे में आता है फ्रेंड, ठीक है, मेंस में भी पूछा गया है बहुत बार, ठीक है। तो चलिए थोड़ा बहुत इस पर प्रकाश डालते हैं कि आखिर क्या हो सकते हैं हार के कारण, ठीक है। इधर उधर की बात ना करते हुए बस दो तीन हार के कारणों के बारे में हम लोग समीक्षा करेंगे, ठीक है। तराइन के प्रथम युद्ध में पृथ्वीराज की भागती सेना का पीछा कर उसकी शक्ति को छीण न करना, अर्थात गोरी की शक्ति पूरी तरह समाप्त न करना, ये पृथ्वीराज चौहान की जो है सबसे बड़ी गलती थी, ठीक है। अगर उसने उसी समय पृथ्वीराज चौहान ने गोरी की हत्या कर दी होती या उसकी पूरी जो शक्ति थी उसको समाप्त कर दिया होता, तो वो दोबारा फिर हमला नहीं करता। एक साल बाद ही उसने फिर से 1192 में हमला कर दिया, तो ये उसकी सबसे बड़ी गलती थी पृथ्वीराज चौहान की। दूसरी, संयोगिता के साथ प्रेम प्रसंग में व्यस्त रहकर आगामी हमले का आभास न करना। संयोगिता के बारे में बता दूं, अगर आप लोग नहीं जानते हैं, तो पृथ्वीराज चौहान ने संयोगिता के साथ विवाह किया था, ठीक है, और उसके साथ प्रेम प्रसंग में व्यस्त रहे, इस कारण हो सकता है इनको हमले का आभास न आ रहा हो, ठीक है। और राजपूतों की वंशगत प्रतिष्ठा तथा अपने राज्यों के हित को सर्वोपरि मानने के कारण उनकी आपसी ईर्ष्या तथा वैमनस्य का लाभ मोहम्मद गौरी को मिला, यह भी एक कारण था। तीसरी, अगर चौथी बात करें, तो तराइन के द्वितीय युद्ध से पहले गौरी से समझौता वार्ता के संपूर्ण काल में पृथ्वीराज ने अपनी सेना को युद्ध के लिए सतर्क नहीं किया, यह भी एक कारण था, ठीक है। इनको युद्ध का आभास ही नहीं था, इनको लगा नहीं कि एक युद्ध में हार के बाद मोहम्मद गौरी दूसरी बार युद्ध के लिए, ठीक है, तैयार रहेगा, तो ये सब एक कारण रहा होगा। चलिए संयोगिता के बारे में हम लोग जानते हैं कि आखिर क्या थी संयोगिता, कौन थी और क्या मतलब इसका बात था। चलिए तो सबसे पहले अगर हम बात करें संयोगिता और पृथ्वीराज चौहान के प्रेम प्रसंग की जानकारी चंदर बरदाई में लिखा हुआ है, ठीक है, अबुल फजल और चंद्रशेखर के लेखों से मिलती है, परंतु कुछ इतिहासकार इसे केवल एक कहानी मानते हैं, ठीक है। चंद्र बरदाई आप लोगों ने पढ़ा होगा, ठीक है, अबुल फजल और चंद्रशेखर के लेखों से मिलती है। संयोगिता गढ़वाल के शासक जयचंद की पुत्री थी, ठीक है, जयचंद तथा पृथ्वीराज के साथ संयोगिता का प्रेम था। जयचंद एवं पृथ्वीराज के बीच शत्रुता थी, इसी शत्रुता के कारण जयचंद ने ही पृथ्वीराज मोहम्मद गौरी को पृथ्वीराज पर आक्रमण के लिए आमंत्रित किया था। जयचंद एवं पृथ्वीराज चौहान के बीच शत्रुता उस समय चरम पर पहुंच गई जब संयोगिता के स्वयंवर थे पृथ्वीराज चौहान ने संयोगिता का अपहरण कर लिया। मतलब आप लोगों को समझ में आया, जयचंद की पुत्री थी संयोगिता, इसी का बदला लेने के लिए जयचंद ने मोहम्मद गौरी को आमंत्रित किया कि पृथ्वीराज चौहान पर आक्रमण करो, ठीक है, इसलिए मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज चौहान पर आक्रमण किया था, ठीक है। और जब पृथ्वीराज चौहान ने उसको हरा दिया, ठीक है, तो वो हार गई, मोहम्मद गौरी हार गया। लेकिन एक जब स्वयंवर किया अपनी पुत्री का, संयोगिता का, तो पृथ्वीराज चौहान तो उससे प्रेम करते थे, तो स्वयंवर में जा करके संयोगिता का अपहरण कर लिया। इससे जयचंद और जितने और भी उसके दोस्त राजपूत थे, ठीक है, उनको बहुत गुस्सा आया, उन्होंने मोहम्मद गौरी का साथ दिया और पृथ्वीराज चौहान के विरुद्ध सभी ने लड़ाई लड़ी, ठीक है, इस तरह से पृथ्वीराज चौहान हार गए थे, ठीक है। लेकिन कुछ इतिहासकार केवल एक कहानी मानते हैं। चलिए आगे बात करते हैं चंद्र बरदाई के बारे में। यह पृथ्वीराज चौहान के दरबार में कवि था, ठीक है। चंद्र बरदाई ने पृथ्वीराज रासो नामक काव्य की रचना की है, ठीक है, अपभ्रंश भाषा में। ये तो बहुत बार इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग हिंदी में भी पढ़ते होंगे, हिंदी का जो क्वेश्चन दे हिंदी का जो पेपर आप लोग देते होंगे, स्टेट यूपी यूपी उत्तर प्रदेश का जो भी आप लोग यूपी पुलिस वुलिस का देते होंगे, उसमें पूछता है पृथ्वीराज रासो किसकी रचना है, तो चंद्र बरदाई का, ठीक है। किस भाषा में लिखी गई है, अपभ्रंश भाषा में, ठीक है। जयानक ने पृथ्वीराज विजय नामक संस्कृत महाकाव्य लिखा है, ठीक है, और पृथ्वीराज चौहान के बाद भारतीय राजनीति में एक नए अध्याय की शुरुआत हुई, ठीक है। पृथ्वीराज चौहान के बाद भारतीय राजनीति में एक नए अध्याय की शुरुआत हुई। चलिए जान लेते हैं राष्ट्रकूट वंश के बारे में। राष्ट्रकूटों के अभिलेख में उनका मूल स्थान लट्टलूर लातूर विदर जिला माना गया है, परंतु बाद में एलिचपुर बरार में इस वंश का राज्य स्थापित हुआ। दंती दुर्ग के बारे में जान लेते हैं। राष्ट्रकूटों के स्वतंत्र राज्य की स्थापना दंती दुर्ग ने की थी, इसने अपनी राजधानी मान्यखेत या मालखंड बनाई।
इसने चालुक्य शासक कीर्तिवर्मन को परास्त कर अपनी स्वतंत्रता की घोषणा की। ठीक है, चालुक्य शासक विक्रमादित्य ने उसे पृथ्वीवल्लभ और खड्डालोक की उपाधि दी। दंती दुर्ग ने महाराजा धीराज परमेश्वर परम भट्टारक की उपाधि धारण की। दंती दुर्ग ने हिरण गर्भधान नामक महायज्ञ किया। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि किस शासक ने हिरण गर्भधान नामक महायज्ञ किया था, तो दंती दुर्ग ने, जो कि राष्ट्रकूट वंश का था। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं, कृष्ण प्रथम के बारे में जान लेते हैं। कृष्ण प्रथम ने द्रविड़ शैली से एलोरा के प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण कराया। तो ये क्वेश्चन आता है फ्रेंड, बहुत इंपॉर्टेंट है कि एलोरा के प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण किसने कराया, तो द्रविड़ शैली में इसका निर्माण किया गया है और इसको कृष्ण प्रथम ने निर्माण किया था, राष्ट्रकूट वंश के। ठीक है, कृष्ण प्रथम ने चालुक्य राज्य का अस्तित्व समाप्त किया था। ठीक है, गोविंद तृतीय के बारे में जानते हैं, इसने पल्लव, पांड्यों, केरलों और गंग राजाओं के संघ को, केरलो लिखा है मतलब चोलो, ठीक है, चोल राजाओं को केरलो कहा जाता है, गंग राजाओं के संघों को नष्ट कर दक्षिण में अपनी सार्वभौम सत्ता स्थापित की। अमोघ वर्ष, यह राष्ट्रकूटों का अंतिम महान शासक था। अमोघ वर्ष ने कन्नड़ भाषा में कविराज मार्ग तथा प्रश्नोत्तर मलिका की रचना की। इसके दरबारी कवि कौन कौन से थे, जिनसेन ने आदि पुराण की रचना की, सट्टायन ने अमोघ वृत्त की रचना की, महावीराचार्य ने गणित सार संग्रह की रचना की। राष्ट्रकूटों का राज्य चिन्ह जो था राष्ट्रकूट, उसकी रचना जो चिन्ह था राज चिन्ह गरुड़ था। ठीक है, और राष्ट्रकूटों की मुद्राएं कलंज और कसु और गांग्रक थी। ठीक है, चलिए तो फ्रेंड यहीं पर ये वीडियो समाप्त करते हैं और आगे हम बात करेंगे जो भारत में विदेशी आक्रमण हुए, जिसमें कि प्रथम सफल विदेशी आक्रमण जो किया था मोहम्मद बिन कासिम ने 712 ईस्वी में सिंध पर आक्रमण किया था, जहां पर दाहिर नामक हिंदू शासक राज्य कर रहा था। ठीक है, तो आशा है आपको वीडियो पसंद आया होगा, पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, शेयर करते रहिए जिससे अधिक से अधिक लोगों के पास ये वीडियो पहुँच सके। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।